ओ भाई नाखून लग जाएंगे तेरे। Hey guys, good morning. Welcome to my new vlog. तो guys, finally time आ चुका है दिल्ली से जाने का। 3 दिन से हम दिल्ली में थे, काफी मस्ती की हमने। फिलहाल अब घर की याद आ रही है तो अब जा रहे हैं घर। घर जाएंगे, ओरियो से मिलेंगे, कुनाली से मिलेंगे और आज मम्मी पापा भी आ रहे हैं हरियाणा से, सारे मिलेंगे। और हाँ, परसों पीयूष का बर्थडे भी है तो उसकी प्रिपरेशन भी करनी है, तो उसमें भी काफी प्लान्स है हमारे। परसों मेरा बर्थडे है। हाँ, मेरे को बनक तक नहीं है। तो हम चाहते हैं कि बर्थडे पूरी फैमिली साथ में मिलके मनाए, इसलिए हम जा रहे हैं। तो अभी जाने से पहले कुछ फोटोज ले लेते हैं, मिरर फोटोज। अब ऐसा मिरर और कहीं तो मिलेगा नहीं। उधर देख। जाने से पहले चेक कर लेता हूँ कुछ भूला ना हो, स्पेशली कैमरा गियर। तो अभी हम चेकआउट कर रहे थे ना, तो रिसेप्शन वाले कह रहे कि सब्सक्राइबर्स की कॉल आ रहे हैं। तो कहीं ऐसे मत करा करो, मैं होटल में रुका हूँ तो यहाँ पे प्राइवेसी होती है सबकी और इस तरह से कॉल करना ठीक नहीं है। तो भी गाइस रुके हैं खाने के लिए। चलो, क्या खाएगा? आलू का परांठा। आप क्या खाओगे? कुछ भी खाएंगे। गाइस ये देखो कितना सेटिस्फाइंग है, कितना मस्त दही है। पीयूषी तेरे को पहचान लिया बच्चों ने, तेरे को पहचान लिया, वो तेरे को देख रहे हैं। हाय कर दे, हाय कर दे। कंफ्यूज है, आई थिंक अभी कंफ्यूज है वो। हेलो। तो फाइनली खा पी के आ चुके हैं, अब चलते हैं सीधा नॉन स्टॉप हल्द्वानी। तो भी गाइस हमको पकड़ना है इनोवा को, हमारी इनोवा भी इसी रोड पे चल रही है, हमारे से 70-80 किलोमीटर आगे है वो, मैंने कॉल करके पूछा था अभी। तो इसी रोड पे 70 किलोमीटर आगे हमको जाना है, तो देखते हैं इनोवा हमको मिलती है नहीं मिलती। मम्मी पापा भी आज ही निकले हैं हरियाणा से हल्द्वानी के लिए और हम भी आज ही निकले हैं। हम दिल्ली से निकले हैं, वो हरियाणा से निकले हैं, लेकिन वो हमसे आगे हैं अभी 70-80 किलोमीटर। तो चलो चलते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं? कैसे रही यात्रा? बढ़िया बढ़िया। अरे इसमें ये क्या है? ये वो मुंशारी वाले टीचर दे गए हैं। क्या है ये? आपकी फोटो बना रखी है। ये तो बहुत बड़ा है। गाइस इतना बड़ा पता नहीं क्या है ये। सो गाइस फाइनली अपनी सोसाइटी पहुंच चुके हैं, अब चलते हैं घर और कुनाली और ओरियो से मिलते हैं और मम्मी भी गरीब है। यहाँ पे कितना अच्छा लगता है ना, सुकून ही अलग मिलता है भाई। अब फाइनली उतरेंगे जहाँ पर खाना खाए थे, उसके बाद से हम नॉन स्टॉप ही चल रहे हैं। ओरियो को ना गाड़ी की आवाज आ गई, गाड़ी की आवाज पहचान लेता ओरियो, भागने लग गया ओरियो। ओलू प्रणाम, ठीक हो? ठीक हो? ओलू आजा इधर, इधर और इधर। ओ भाई नाखून लग जाएंगे तेरे। समकर रुक जा भाई, क्या हो गया? क्या हो गया? रुक जा, रुक यहीं रुक, यहीं रुक। क्या हुआ? अभी सब आ रहे हैं, बड़े बड़े मम्मी आ रहे हैं, अभी साहिल भी आ रहे हैं, सब आ रहे हैं, अभी सब आ रहे हैं। रुक जा सब आ रहे हैं। रुक जा भाई, रुक जा, इतना एक्साइटेड नहीं होते। ओलू चोलू, क्या हो गया? तो गाइस मम्मी पापा और साहिल तो अभी तक नहीं आए, वो रास्ते में मिले भी नहीं हमको, तो वो शायद कहीं चले गए होंगे, पता नहीं कहाँ हैं। हम भी पहले पहुंच गए उनसे, जबकि हम उनसे 70-80 किलोमीटर पीछे थे, फिर भी वो अभी तक नहीं पहुंचे हैं। तो चलो चलते हैं अंदर। और चाची कैसे हो? ठीक हो? हाँ। अकेले मन लग रहा था। दादाजी प्रणाम। प्रणाम, ठीक हो? इसको क्या हो गया, ये क्या हुआ? कहाँ रह गए आप? हम तो घर पहुँच गए, आप कहाँ रह गए? आराम से, ठीक है, ओके बाय। तो अभी गाइस 4 बज गए हैं, सुबह हम 9 बजे निकले थे, तो पूरे 7 घंटे लग गए हमको। 3 घंटे तो हमको दिल्ली में लगे थे ट्रैफिक में, फिर 4 घंटे हमको यहाँ आने में, पूरे 7 घंटे लगे। 1 घंटा हमने रुके थे, खाना पीना खाया था। आज तो अलग ही लेवल का प्यार दिखा रहा है मुझे। है? क्या हुआ? अभी बड़े मम्मी बड़े पापा और साहिलदा भी आ रहे हैं, ठीक है। 4 दिन से ये बिल्कुल अकेला हो गया था, कुनाली तो था इसके साथ में, लेकिन फिर भी दुबई से भी सौदा आ गए। कहाँ से? कहीं से, दिल्ली से। दिल्ली? दिल्ली कहाँ है? अरे वो हरियाणा, पहले आप हरियाणा से फिर दिल्ली गए। आप कैसे पता? मैंने ब्लॉग देखा था। अच्छा ब्लॉग देखा था आपने? हाँ। आप देखते हो मेरा ब्लॉग? आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगता है? मम्मी देखती है। आप नहीं देखते? क्यों नहीं देखता है? देखता है ये मेरे साथ। तो अभी गाइस मम्मी पापा भी आ चुके हैं और ओरियो को चल गया, पता देखो पहले यहाँ पे आ गए। ओहो बड़ी मम्मी बड़े पापा, ओरियो याद कर रहे हैं आपको। प्रणाम पापा जी। प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। और क्या हाल चाल? इनोवा तुमने चलाई? तो साहिल मस्त इनोवा चला के लाया। तो हमारा इनोवा ले जाने का डिसीजन बिल्कुल सही था, मम्मी जी को बिल्कुल भी उल्टी नहीं हुई। आगे से मम्मी को इनोवा में लेके जाएंगे। खुश देख तू है? क्या हो गया? खुश है? खुश देख?
बच 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 हो गया बच 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 वो बच 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 इधर आ इधर खुश खुश हो गया उसने वो आ गई है हो गया खुश इतना हो गया देख बच 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 है कोई बाग में आकम जाता है यार बस 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 हो गया बस तभी तभी कहता हूँ ले जाया करो इसको सब जगह ले जाया करो इसको आज इमोशनल हो गया पहली बार इमोशनल हो गया और इमोशनल होगी लड़की इमोशनल होगी बस उरु नहीं नहीं बच 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 बैठ 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 यहाँ जा गाइस डॉग्स में कितने इमोशंस होते हैं देखना ओरियो को मतलब चार दिन हमारे बिना रहा और कैसे अब रिएक्ट कर रही है तो मेरे को लग रही है भूख मैं तो बना रहा हूँ ओट्स अभी ओट्स से काम चलाते हैं फिर रात को फिर डिनर ही करेंगे सीधा तो मेरे ओट्स तो रेडी ओट्स खाते हैं दलिया जैसे लग रहे हैं ये दलिया ही है इसमें क्या है इसमें पेंटिंग होगी पेंटिंग सब्सक्राइबर ने दी थी अभी खोलेंगे इसको ठीक है अभी थोड़ी देर में खोलेंगे इसको तो फाइनली गाइस अपने स्टूडियो रूम सेटअप कुछ भी कह लो यहाँ पहुँच चुके हैं अब थोड़ी देर रेस्ट करते हैं बिकॉज बहुत ड्राइव कर लिया अराउंड 6 घंटे ड्राइव करा है बहुत ट्रैवल हो गया तो फिलहाल थोड़ा रेस्ट करते हैं रेस्ट का मतलब एडिटिंग क्योंकि एडिटिंग करनी है कल का ब्लॉग भी पड़ा है आज का ब्लॉग पड़ा है तो दो ब्लॉग एडिट करने हैं चाची हमारे लिए चाय ले आई है थैंक यू चाची ज़्यादा तो नहीं है वेलकम तो अभी टाइम हो गया 7:48 एडिटिंग कर रहा था मैं फिलहाल अभी खाने के लिए बुलावा आ गया तो चलो चलते हैं आज को ज़्यादा ब्लॉग भी नहीं बना यार थक गया था ना तो बैठ गया था एडिटिंग पे ये आलू अलग है क्या अच्छा ये आलू गोभी है तो आज मैंने आलू गोभी आलू दही एंड रोटी तो आज कुनाली के लिए ये लेके आए हैं मोड़ा अच्छा दो लेके आए हैं तीन देखो इसमें दो पैर रख सकते हैं कितने का मिला एक बैठने के लिए तो मस्त है तो अभी गाइस डिनर हो चुका है फिलहाल अनबॉक्स करते हैं इसको ये गार्ड अंकल ने हमको दिया था जैसे हम सोसाइटी में घुसे थे ना पता नहीं कोई दे गया था हमको तो मैं पहले तो मना करता हूँ आप लोग गाइस प्लीज गार्ड अंकल काफी लोग आते हैं गार्ड अंकल कुछ ना कुछ दे के चले आते हैं तो प्लीज ऐसे मत करा करो मेरे लिए कुछ भी मत लाया करो मैं घर में नहीं होता हूँ और अंदर आना भी अलाउ नहीं है तो अच्छा नहीं लगता ना इस तरह से आप कुछ भी लेके आओ तो प्लीज़ ओ भाई ये तो मस्त है तो चलो रिवील करते हैं ये देखो भाई तो ये पेंटिंग है मेरे हाथ में कैमरा है मैं व्लॉग कर रहा हूँ और ये बनाई है मिस्टर राजीव ने भाई देखो गाइस कितनी मस्त पेंटिंग लग रही है सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार सौरभ भाई मेरा नाम राजीव है आपके करोड़ों फैंस में से मैं भी आपका बहुत बड़ा फैन हूँ अरे ऐसे मत बोलो यार फैन नहीं फैमिली हो आप थैंक यू सो मच राजीव सर थैंक यू सो मच राजीव सर भाई इसको बनाने में कम से कम 15-20 घंटे लगे होंगे अब टूट जाइए मत कर तो अपने रूम में लेके चलते हैं तो अभी तो मैंने वहाँ ऊपर रख दिया फिर इसको कहीं लगा लेंगे तो अभी गाइस रात के 11 बज गए एडिटिंग कम्प्लीट हो गई है फिलहाल मैं इस व्लॉग का एंड करता हूँ काफ़ी शॉर्ट एंड सिंपल ब्लॉग था आई होप आपको पसंद आया होगा पसंद आया तो लाइक कर देना एंड चैनल पर सब्सक्राइब कर देना मिलते गाइस जल्दी ही नेक्स्ट व्लॉग में थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बाय ये देखो गाइस किस तरह से बैठ रहे हैं ऐसे नहीं बैठते इसमें एक्सरसाइज है क्या है एक्सरसाइज है बोलो